मऊ की एक जुड़वा जोड़ी है, काफ़ी मशहूर है सोशल मीडिया पर, बड़ी पहचान है इनकी, नाम रमा और उमा है। इन दोनों जोड़ियों को आप देखेंगे तो भगवान ने भी इन्हें एक जैसा बनाकर भेजा है, लेकिन यहाँ पर भी ये रहते हैं तो एक जैसा ही रहते हैं। इनका जो गेटअप आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऊपर से नीचे तक गौर करिएगा, कोई भी ऐसा गेटअप नहीं होगा जो इन्होंने पहना हो, या जो भी इनके हाथ पैर में जो भी चीज़ें होंगी, सारे गेटअप जो इनके होते हैं एकदम सेम टू सेम होते हैं, कोई पहचान नहीं सकता। एक सुर में कोई गीत होना चाहिए शुरुआत कि सागर पार सिसिया के समाचार लावे वाला महावीर हनुमान सबके काम आवे वाला, भखले बानी हम पर शादी उनका नाम के रे मोरा, मिलन करा दे श्री राम से रे मोरा, मिलन करा दे श्री राम से। यही चीजें लोग पसंद करते हैं, दोनों भाइयों के जो सुर हैं वो एकदम मिलते हैं, सब कुछ मतलब इनका वही ऊपर से मिलना हुआ है और सब कुछ बराबर मिलता आ रहा है। और अब आगे भविष्य में क्या इन दोनों भाइयों की जो जोड़ियां होंगी, पत्नियां यानी, क्या वो भी मिलकर ही आएंगी या फिर क्या होगा, वो भी हम बातचीत करेंगे इन लोगों से। काफ़ी दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, चर्चा काफ़ी होती है, और हमने सुना है कि आप लोग कहते हैं कि यूपी से ज़्यादा चर्चा आप लोगों की बिहार में होती है, क्या वजह है इसकी? हकीकत है ये चीज़, हम लोग कोई घूस खा के नहीं बोलते हैं, हकीकत ही है, जहाँ खाते वहाँ गाते हो, जहाँ खाते हैं गाते। एक मेन चीज़ आपको भी अगर कोई सपोर्ट करेगा तो आप उसी का नाम लीजिएगा। बिल्कुल तो हकीकत का सपोर्ट हमको बिहार से मिला, जो सच्चाई उसमें बताता हूँ। अगर बिहार के कहें सोनू भैया, बिहार मुजफ्फरपुर का, उनका सपोर्ट नहीं होता कसम से मैं कहता हूँ, आज हम लोग कंपनी में काम करते हैं। कि वो तो दूसरा केहू के फुलवारी में बाड़ी जाके खिले के तैयारी में, वो तो दूसरा केहू के फुलवारी में बाड़ी जाके खिले के तैयारी में, भारत तड़प तड़प के हाया हो बानी हो, भारत तड़प तड़प के हाया हो बानी हो, एह दुनिया में प्यार के जैसन हम ही तकले गुना हो बानी हो, एह दुनिया में प्यार के जैसन हम ही तकले गुनाह बनी हो। क्या बात है, मुझे जहाँ तक जानकारी है और तमाम इंटरव्यू भी मैं आप लोगों का देख चुका हूँ, और मैं हमारी भी मुलाकात शायद तीसरी बार होगी, तो सैड सॉन्ग मैं आप लोगों को ज़्यादा गुनगुनाते सुनता हूँ, इसके पीछे की क्या वजह, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए इस बात को मैं ईमानदारी से जानना चाहता हूँ, क्या सैड सॉन्ग पसंद करने की क्या वजह हो सकती है? सबका एक अलग अलग जोन होता है गाने का, तो हमारा लगता है सैड वाला सोन वाला जो अच्छा लगता है मुझे, और एक ही एक और कोई राज नहीं, अच्छा भी लगता है और सुनने भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि हमारा दिल टूटा है तभी हम लोग गाते हैं, दिल हमारा नहीं टूटा है, है कुछ दिल का कनेक्शन नहीं, कनेक्शन कुछ नहीं, बस लोगों का प्यार है, उनको अच्छा लगता है। हम जब छोटे छोटे मोबाइल में सैड सॉन्ग गाना अधिकतर सुनते थे, अच्छा लगता था। हम तोड़ने तोड़वाने जा रहे हैं, बताइए ना, कहाँ नहीं बता रहे हैं, ऐसा रहता तो है नहीं, वो लोग एकदम साफ सुथरा है, खाली है, अगर जो कोई भरना भरना चाहते हैं तो आगे भर सकते हैं। अच्छा अच्छा, बात ये है ना कि हम दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो अकेले करते, सब साथ में करते हैं, सब साथ प्यार अगर जो अलग अलग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सब साथ होगा, बैठ के सुनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कष्ट होगा, एक कष्ट होगा तो हमको भी कष्ट होगा, कष्ट होगा तो नष्ट होगा, हम नहीं चाहते कि नष्ट हो, हम चाहते हैं कि एकदम बेस्ट हो, मस्त हो सब। अच्छा रमा उमा नाम आप लोगों का है, लेकिन हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए रमा उमा कौन है भैया? मैं रमा, रमा उमा है, तो फिर कंफ्यूज मत करिए ना, हमारा नाम बता रहे हैं, आप रमा हैं? नहीं मैं रमा, मैं रमा उमा है। अब फिर देखिए आप दोनों लोग कह रहे हैं मैं रमा हूँ, मैं उमा हूँ, तो बताइए ना, नाम बता रहा हूँ, मैं रमा हूँ और उमा है, तो कहे आप पहले बताइए आप क्या है? मैं रमा उमा है। कोई डिफरेंट इनमें बता नहीं सकते आप, अगर कोई डिफरेंट बता देगा, लेकिन भाई देखिए अगर मैं शर्त रख रहा हूँ, हाँ शर्त रख रहा हूँ, 151 ज्यादा नहीं, मैं शर्त रख रहा हूँ, अगर कोई डिफरेंट बता दे ऐसे वीडियो में देख कर कमेंट करके, तो पहला जो कमेंट करेगा, मैं सारे लोगों की बात नहीं करूँगा, जो पहला कमेंट करके इनकी पहचान बता देगा, 151 रुपये मेरे तरफ से है, मैं वो फोन पे नंबर मुझे दे देगा, मैं उसको 151 रुपये पे कर दूंगा, लेकिन सही होना चाहिए ये मैं कह रहा हूँ,
लेकिन जिसका पहला कमेंट होगा, ये नहीं कि हजारों लोग कमेंट कर दे मैं सबको नहीं पे कर पाऊंगा भाई, जो जिसका पहला कमेंट होगा पहचान बता दे, अंतर बताइएगा, ठीक बताइएगा, इसको मत बताइएगा क्योंकि मैं माइक लगाया हूँ, तो इनका ही हमारा नहीं है, हमारा जो सब सेम है, इसको हटा करके आप अंतर बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी भी क्योंकि अभी भी पता नहीं चल पाया कि कौन रमा है कौन उमा है, तो कुछ होना चाहिए। खेसारी लाल यादव का कोई गाना सुनाइए। दिल ना लगई हा फिर जानी आई हा, अब जा 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 जान भूला जाई हा, अब जा 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 जान भूला जाई हा, तोहरा के दे दे हनी ई करी जा काढ़ी के, तब हू ना जनलू तू हलचल के सारी के, याद मत करी हा, याद मत करी हा, हम भी सरई हा, अब जा 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 जान भूला जाई हा, अब जा 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 जान भूला जाई हा। बहुत बहुत बेहतरीन। शादी तो निश्चित है, एक दिन तो होनी ही है, होनी ही है। अभी आप नकार सकते हैं, माँ बाप को कह सकते हैं कुछ वक्त रुक जाइए, लेकिन अगर शादी की बात की जाए तो क्या इरादे हैं कि शादी भी एक जैसी लड़कियों के साथ करना है, जुड़वा के साथ, या फिर डिफरेंट डिफरेंट? जुड़वा ये आपके चैनल के माध्यम से नहीं, बहुत सारे चैनल के माध्यम से खुलासा हो चुका है, जब भी रमा शादी करेंगे जुड़वा लड़की शादी करेंगे, नहीं तो रड़ुआ रह जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा आप लोगों की नजर में पड़ा हो या किसी ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हो कि यार वहाँ जुड़वा लड़कियाँ हैं? अभी अगर मोबाइल दिखाइए ना, मैं मोबाइल में दिखा देता हूँ, मगर कैमरा में लेके आइए ना। फोटो लड़की का भेजा जुड़वा, देखिए दोनों सेम लड़की है, जुड़वा खाली कपड़ा पहने, ठीक, और ये लिख के भेजा है, आप ही की कास्ट की लड़की है, मेरे गांव की जुड़वा बहन है। तो मैं बोला मस्त है, सेटिंग करवा दो। वैसे मस्ती के लिए बोल दिया, देखिए कैमरा मैन भी दिखा दूँगा, देखिए मैं मस्ती के लिए बस बोल दिया था कि सेटिंग करवा दो। उसके बाद बहुत सारा बात हुआ, बाकी मैं पढ़ पढ़ के बताता रहूँ, फिर बता दूँ सब कुछ। नहीं कुछ मत बताइए, जाने दीजिए, आप लोग किस हद तक गए होंगे, जब शुरू में बात ही कर दिए, सेटिंग करवा दीजिए, भाई बोला भाई मजाक मत करिए, आप अगर सब करना चाहते हैं शादी तो पता है, बहुत पढ़ी लिखी है, मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास है, बैंगलोर में पढ़ी लिखी, कहाँ हो गई? मैं बैंगलोर में भी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैट्रिक मतलब दसवीं? हाँ, और इंटर भी पास है, और इधर कौन सा पढ़ाई, फाइनल है, पटना में पढ़ती थी, बट पटना के बाद बैंगलोर चल गई पढ़ने, बहुत बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं? हम लोग दस में बस कर दिए। दस में बस कर दिए, क्या कुछ परिस्थिति ऐसी सामने आई या क्या वजह थी? पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था बहुत, अगर जो सच्चाई अपने क्लास का, मैं सबसे पढ़ने में तेज लड़का था उस टाइम, मॉनिटर था। परिस्थिति कुछ ऐसी आई कि हमारे घर आप गए होंगे, देखे बिल्कुल, हम आपके घर गए हैं।